एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ गया है और इसका फॉर्म भी फिल होगा 20 जून से 20 जुलाई तक इसका फॉर्म फिल करने का डेट है। तो मैं आज सारी डिटेल इसमें बताऊंगी कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए और जो हम लोग का रिटन एग्जाम पर मेरिट बनेगा या फिजिकल एग्जाम पर मेरिट बनेगा। तो आज मैं सारी ये सब के बारे में डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। तो आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों ने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे आपको मेरे द्वारा भेजे गए पीडीएफ आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और बिहार पुलिस कांस्टेबल में अपनी एक फिट पक्की करना चाहते हैं तो ये चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड और प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सारे सब्जेक्ट आपको डिटेल में मेंशन किए गए हैं, जैसे कि सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, करंट अफेयर्स, बिहार, यानी आपको सारे सब्जेक्ट आपको एक बुक में मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसके कुछ पेजेस को दिखाती हूँ जहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि इस बुक में क्या क्या दिया गया है। तो चलिए इस बुक को दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या खास बातें दी गई हैं। इसमें सारे टॉपिक को पॉइंट वाइज डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो अगर आप अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो ये चक्षु प्रकाशन की बुक ले सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी जहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए तो टोटल सीटों की संख्या कितनी है, तो इस पर जो टोटल सीट आया है 21,391 फीट आया है, जो कि बहुत बड़ी संख्या में इस बार बिहार पुलिस में फीट दिया गया है। और इसका जो फॉर्म फिल करने का डेट है इसका फॉर्म फिल करने का जो डेट है 20 जून से 20 जुलाई तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो इसमें जो फॉर्म फिल होगा, फॉर्म फिल कर किया जाएगा ऑनलाइन के द्वारा, और जो इसमें भाग लेंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ बिहार के लोग भरेंगे फॉर्म, इसमें ऑल ओवर इंडिया के लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये जो भी फॉर्म फिल होगा, ऑल यानी कि अदर स्टेट वाले लोग भी यहाँ पर आके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें सीटों की संख्या सबसे पहले बात किया जाए तो यूअर कैटेगरी के लिए रखा गया है 8,556। वहीं EWS का बात किया जाए तो EWS के लिए रखा गया है 140 फीट। अनुसूचित जाति के लिए बात किया जाए तो 3,400 फीट है। ST के लिए बात किया जाए तो यहाँ पर 228 फीट दी गई हैं। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी कि EBC का बात किया जाए तो EBC के लिए 3842 फीट दिया गया है। और पिछड़ा वर्ग के लिए यानी BC2 के लिए 2570 फीट दिया गया है। और इसमें जो 2570 फीट है उसमें ट्रांसजेंडर का भी 56 फीट इंक्लूड है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है अब सारे फॉर्म को ट्रांसजेंडर लोग भी फिल कर सकते हैं, तो इसमें से 56 फीट है जो ट्रांसजेंडर के लिए रखे गए हैं। वहीं अगर पिछले वर्ग की महिला के लिए करें, वर्ग की फीमेल के लिए 655 फीट इन लोग के लिए रिजर्व रखा गया है। और ये सारे को अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल सीटों की संख्या 21,391 होगा। अब हम लोग बात करते हैं जो यहाँ पर आयु लिया जाएगा वो 1/8/2022, यानी कि जो 1/8/2022 से पहले हम लोग का क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है ये फॉर्म क्या है, 12th पास आउट के लिए है। यानी कि जिनका भी 12th 1/8/2022 तक कंप्लीट हो चुका है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और वो लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जॉब लेने का। और इसमें एज की बात की जाए तो यूअर मेल हो या फीमेल हो उनके लिए एज रखा गया है, मेल हो या फीमेल हो उनका एज है 18 से 25 वर्ष। वहीं अगर पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC या EBC का बात करें तो इनके लिए एज रखा गया है 18 से 27 वर्ष। वहीं अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम इसका जो होगा, एग्ज़ाम क्या होगा, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम होगा क्या होगा, एक तो रिटन एग्ज़ाम इसमें होगा जो कि ऑफलाइन होगा, यानी कि पेपर पेन से हम लोग को एग्ज़ाम देना है। और इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, 100 होगा, 100 मार्क्स का होगा।
और जो टाइम दिया जाएगा 2 आवर का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का हो, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, और टाइम का बात किया जाए तो 2 घंटे का टाइम दिया गया है। और इसमें जो सब्जेक्ट होगा यानी कि क्वेश्चन जो आएंगे किस किस सब्जेक्ट पे, तो सब्जेक्ट यहाँ पर 6 सब्जेक्ट पे क्वेश्चन आएंगे। तो पहला सब्जेक्ट हम लोग सब्जेक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड जीएस, प्लस इसके साथ साथ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग सब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे 6 सब्जेक्ट पे हम लोग के क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ जो रिटन एग्जाम में सिलेक्शन होगा यानी कि हम लोग का फिजिकल के लिए जो सिलेक्शन होगा, तो सीटों की संख्या के 5 गुना सीटों के फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो गया, यानी कि मोटा मोटी माना जाए तो 1,05,000 से ऊपर स्टूडेंट फिजिकल के लिए सिलेक्टेड होंगे, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है बहुत ही ज़्यादा है, और फिजिकल के लिए भी अच्छे खासे कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग का मेरिट बनता है, ये एग्जाम जो होता है इस पर हम लोग का क्या होता है, रिटन एग्जाम पे हम लोग का मेरिट नहीं बनता है, इसमें बस क्या है हम लोग को क्वालिफाई होना है, और जो हम लोग का मेरिट बनता है वो फिजिकल पर ही हम लोग का मेरिट बनता है। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग को क्या आना है, फिजिकल के लिए सेलेक्ट होने के लिए हम लोग का क्या है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स होना जरूरी है, क्योंकि जिनका अच्छा मार्क्स रहेगा वही फिजिकल के लिए सेलेक्ट होंगे। तो इसमें यही है कि हम लोग का क्या है, एक तो रिटन पे भी ध्यान लेना है कि हम लोग बस क्वालिफाई हो जाएंगे और फिजिकल के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके साथ साथ हम लोग को अपना मेरिट यानी कि फिजिकल के लिए भी हम लोग को मेहनत करना होगा। तो फिजिकल में अगर देखा जाए तो क्या है, एक तो दौड़ होगा यानी रनिंग होगा, फिर ऊंची कूद ली जाती है इसमें यानी हाई जंप लिया जाता है, और उसके साथ साथ गोला फेंक, और जो फिजिकल हम लोग का होता है वो भी क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है, यानी कि जो रनिंग होता है वो होता है हम लोग का 50 मार्क्स का, ऊंची जंप जो हुई है यानी कि हाई जंप जो होता है वो 25 मार्क्स का होता है, और गोला फेंक भी 25 मार्क का, यानी कि टोटल नंबर कितने हो गए, 100 नंबर। और जो हम लोग का मेरिट बनता है इसी पर हम लोग का मेरिट बनता है, और जो रिटन एग्जाम रहता है बस क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें लाना रहता है, ऐसा नहीं है कि क्वालिफाइंग मार्क्स हम लोग मिनिमम लाएंगे उससे हम लोग फिजिकल के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी क्या होता है जो हाई जिनका जितना ज़्यादा मार्क्स रहेगा वही फिजिकल के लिए सेलेक्ट होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग को तैयारी करना होगा क्या रिटन एग्जाम का, तो रिटन एग्जाम में हम लोग का सिलेबस यहाँ पे आता है, इतने सारे सब्जेक्ट से हम लोग के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हम लोग का रिटन एग्जाम होगा तो सब्जेक्ट वाइज आपके कितने मार्क्स हर सब्जेक्ट से बनेंगे, यानी कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इस बारे में डिस्कस करूंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।